प्यारे बच्चों नमस्कार। मानसिक योग्यता परीक्षण या तर्क शक्ति परीक्षण के फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग या सांकेतिक भाषा परीक्षण के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सीख लिया था कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है और किस तरह से हमें जो है जब किसी एक वर्ड का कोड दे रखा हो तो उसमें से हमें पैटर्न किस तरह से पहचानना है, ठीक है, और दिए गए शब्द का कोड जो हमें किस तरह से प्रोड्यूस करना है, ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में सीख ली थी। तो इसी सीरीज में मैं आपको कुछ नए पैटर्न जो है किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं और एग्जाम में जो है किसी क्वेश्चन को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है, किस तरह से उसको डिफ़िकल्ट बनाया जा सकता है, वो सारा जो है मैं इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। तो देखिए कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उसको ए से लेकर जेड तक उनकी पोजीशन जो है आपको किस तरह से याद करनी है। इसके लिए मैंने आपको एक शब्द ई जे और टी वाई याद रखना बताया था कि जिसको 5, 10, 15, 20, 25 से याद रख सकते हैं कि ई 5वें नंबर पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे है। इसके अलावा मैंने बताया था कि एम और डब्लू दोनों की शेप जो 3 में मिलती है तो एम 13 पे हो जाता है, डब्लू 23 पे हो जाता है। अगर एच की शेप देखें तो डिजिटल वॉच में जो है वो 8 में मिलती है, आई को अगर कर्सिव राइटिंग में लिखे तो 9 में शेप मिलती है। तो इस तरह शेप वगैरह मिला करके हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबरिंग की पोजीशन नंबर हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा ए बी सी डी 1, 2, 3, 4 आपको याद होता ही है, जेड 26 याद होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था, शायद उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। और अगर ये पहला वीडियो आपने ना देखा हो तो इसको डिटेल से ज़रूर देखें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में जो है मैं आपको रिवर्स डायरेक्शन से यानी उल्टी डायरेक्शन से आपको इन नंबर अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद करना सिखाऊंगा, क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको रिवर्स डायरेक्शन में नंबरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम पहले ही कर लेते हैं इसको कि जैसे जेड जो है 1 नंबर पे आता है, वाई 2 पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ओके, तो अब आपको अगर सर सीधा तो हमने बड़ी मुश्किल से याद किया था, आपने उल्टा और बता दिया, तो आपको जस्ट सीधा याद रखना। उल्टा तो देखो अपने आप याद होगा, कैसे होगा आप यहाँ मैजिक देखिए कि 1 + 26, 1 + 26 कितने होंगे 27, 2 + 25, 27, 3 + 24, 27, जोड़ कितना बैठेगा उल्टी पोजीशन और सीधी पोजीशन का जोड़ हमेशा ही 27 बैठता है। कहीं भी देख ली, 14 + 13, 27, 18 + 9, 27, 16 + 11, 27, 20 + 7, 27, कहीं भी देखोगे जोड़ कितना बैठेगा 27। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर जैसे मान लिया जे का आपने सिर्फ सीधा नंबर याद रखना है कितना है 10 है, सीधी पोजीशन याद रखने 10, उल्टी पोजीशन के लिए 27 में से सीधी पोजीशन घटा दें, 27 में से 10 गए 17, उल्टी पोजीशन आ जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए आर है, आर की सीधी पोजीशन कितनी है 18, तो उल्टी डायरेक्शन से इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी 27 में से 18 माइनस कर दें कितना आ गया 9 आ गया, तो उल्टी डायरेक्शन से इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको सीधी पोजीशन याद होगी तो सीधी पोजीशन नंबर को 27 में से माइनस कर दें। एक एग्जांपल और कि वी जैसे सीधा 22वें नंबर पे आता है तो 27 में से 22 माइनस कर दें कितना बचेगा 5, तो रिवर्स डायरेक्शन में 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिवर्स डायरेक्शन से भी पोजीशन आसानी से चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपको याद सीधा ही रखना है, उसको बस 27 में से माइनस करके अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं।
यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पिछली बार के NTSC लेवल फर्स्ट एंड 2018 से मैंने उठाया क्वेश्चन कि किसी विशेष कोड में सर्टेन को XVIGZRM लिखा हुआ है, सीक्वेंस को ये लिखा हुआ है, तो आप रिक्वायर्ड को कैसे कोड करोगे। तो देखिए CERTAIN सर्टेन को लिखा है XVIGZRM। ओके तो आपने क्या करना है कि पहले तो इनकी पोजीशन नंबर देते हैं, सीधी देनी है आपने 3, 5, 18, 20, 1, 9, 14 और ये होगा 24, 22, 9, 7, 26, 18 और 13। ओके तो यहाँ पर देखिए कि ये तीन हैं, अगर आप इनमें माइनस कर करके देखेंगे तो आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि 3 + 24 27 है, 5 + 22 27 है, 18 + 9 27 है, 20 + 7 27 है, 1 + 26 27 है, 9 + 18 27 है, 11 + 13 27 है। इसका मतलब ये सीधी तरफ से तीन नंबर पे है, ये उल्टी तरफ से तीन नंबर पे है, ये सीधी तरफ से पांचवी पोजीशन पे है, ये उल्टी तरफ से पांचवी पोजीशन पे है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स पोजीशन कोडिंग। तो उल्टी दिशा से रिवर्स पोजीशन कोडिंग, ठीक। तो समझ गए होंगे आप, इतनी इंग्लिश तो मेरे ख्याल में समझ जाते होंगे। तो रिवर्स पोजीशन कोडिंग है ये। तो देखिए इसका सीक्वेंस का भी चेक करोगे तो भी आपको ये 27 27 जोड़ी मिलेगा, तो अब आपको रिक्वायर्ड को कोड करना है REQUIRED 18 5 17 21 9 18 5 और 4 18 + 9 27 9 पे क्या लिखेंगे आई, 18 + 9 27 5 + 22 22 पे भी आ गया, 17 + 10 करेंगे तो 27 आएगा, 10 पे जे आएगा, 21 + 6 27 6 पे एफ आ गया, 9 + 18 27 18 पे आएगा आर, और 18 + 9 27 9 पे आएगा आई, 5 + 22 27 22 पे आएगा वी, 4 + 23 23 पे आएगा डब्ल्यू। ओके तो IVJFRVW देखिए IVJFRIVW तो इसका भी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन मिलाते समय काफ़ी ध्यान रखना है, कई बार ये थोड़ा सा इधर उधर करके और ये इसी तरह से ऑप्शन क्रिएट करता है, तो कई बार हम क्वेश्चन ठीक सॉल्व करते हैं बस निशान लगाने में गलती कर जाते हैं, तो गलत का मतलब गलती है। ओके अब आगे देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि सुरेश का कोड VRUBYE है तो सुमन का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इनकी पोजीशन नंबर दे देते हैं 19 21 18 5 और एस को लिखेंगे 19 और एच को लिखेंगे 8, तो ये हो गया 22 18 21 2 25 और 5। देखिए 19 + 3 22 और 21 - 3 18 18 + 3 21 5 - 3 2 19 और
ये सॉरी वी है, वी है तो 22 पे आएगा, 19 प्लस 3 22 और 8 माइनस 3 5। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको पैटर्न क्या मिला, प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 का ये जो नियम है ये हमने ढूंढ निकाला है, तो वही नियम हम यहाँ लगा देंगे, प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 और प्लस 3। देखिए नंबर दे दीजिए 19 21 13 1 और 14। 19 प्लस 3 22, 22 पे आ गया वी, 21 माइनस 3 18, 18 पे आ गया आर, 13 प्लस 3 16, 16 पे आ गया पी, 1 माइनस 3, अब एक में से 3 कैसे माइनस करें, पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखिए जेड कितने पे आता है, 26, जेड के बाद वापस ए आता है, तो ये 27 हो गया। ओके, ए को आप 27 मानो, तो 27 में से 3 माइनस करोगे, 24, 24 पे आ गया एक्स, और 14 प्लस 3 17, 17 पे आता है क्यू। ओके, तो सुमन का जो कोड है वो वी आर पी एक्स क्यू होगा। ओके, इसी तरह से देखिए कि जी ओ टी एम, गौतम का कोड एच एम डब्ल्यू डब्ल्यू आर है, तो कार्तिक का कोड क्या होगा, तो यहाँ आपको देखिए कि जी, जी को आप लिखोगे 7 15 20 1 और 13, ये हो गया 8 13 23 23 और 18, तो 7 प्लस 1 8, और यहाँ पर 15 माइनस 2 20 प्लस 3, और ये कोई सेटिंग नहीं बैठ रही, इसको 27 भी मान लो आप, एक तो 27 माइनस 4 और 13 प्लस 5, अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 का नियम जो आपको यहाँ पर मिल गया है, तो वही नियम आप यहाँ लगा दीजिए, 11 1 18 20 19 और 11, 11 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये करना है आपने। ओके, तो 11 प्लस 1 12, 12 पे आ गया एल, 1 माइनस 2, 1 में से 2 माइनस होगा नहीं, 26 प्लस कर लो, 26 और 27, 27 माइनस 2 25, 25 पे आ गया वाई, 18 प्लस 3 21, 21 पे आ गया यू, 20 माइनस 4 16, 16 पे आ गया पी, और आई है ये 9 पे, 9 प्लस 5 14, 14 पे आ गया एन, और 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 आ गया 5, 5 पे आ गया ई। ठीक, तो एल वाई यू पी एन ई जो है ये कार्तिक का कोड आ गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इनको ओसिलेटिंग सीरीज बोलते हैं, कि प्लस माइनस इतना ही प्लस इतना ही माइनस। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर इसी तरह से और आपको पैटर्न क्या मिल सकता है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 का नियम जो है यहाँ पर आपको मिल सकता है। ओके, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5, इस तरह का भी मिल सकता है, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 9 का नियम भी आपको मिल सकता है, तो नियम आपने पहचानना है। अब कुछ एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको ऊपर पोजीशन के नंबर देने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे यहाँ देखिए सी आई आर सी एल ई, ये चंडीगढ़ का 2018 का NTSC लेवल फर्स्ट का 2018 NTSC लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सी आई आर सी एल ई का कोड दिया आर आई सी ई एल सी। अब देखो कि यहाँ सिर्फ इसका कोड देखते ही पता लग रहा है कि जो इसी के जो अल्फाबेट्स हैं उन्हीं को ये इसने
रीअरेंज करके लिखा हुआ है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो इसमें आपको मतलब ऊपर 3, 9, 18, 3, 12, 5 वगैरह लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शक्ल देखते ही समझ में आ जाएंगे। देखो इसने ग्रुप बनाया पहले 3 का लास्ट 3 का, तो पहले 3 को उल्टा करके लिख दिया, RIC, पहले 3 को यहाँ देखो उल्टा करके लिखा रिवर्स डायरेक्शन में, CIR। अगले 3 का फिर ये ग्रुप बना दिया, ELC लिख दिया, ELC। ओके, कि 2 ग्रुप बना के उल्टा उल्टा करके लिख दिया। कई बार ऐसे 3 के बजाय 2-2 का बना के लिख देता है, फिर पहले 2 का फिर 2 का फिर 2 का, उनको उल्टा उल्टा करके लिख दिया। ओके, कई बार पूरा का पूरा वर्ड ही उल्टा करके लिख देता है। ओके, जैसे अब ये कोड तो हो गया, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। तो सर्कल का कोड ये है, तो स्क्वायर का कोड क्या होगा, SQUARE। तो यहाँ पर ये 3 है, ये 3, इन तीनों को देखो उल्टा करके लिखो, UQS, इन तीनों को उल्टा करके लिखो, ERA। ओके, तो UQS ERA यहाँ पर मिल रहा है, तो डी कोड जो है इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको पोजिशन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने चंडीगढ़ के 2018 के पेपर से ही उठाया है, MTSC लेवल फर्स्ट। तो यहाँ पर STARK इसको लिखा इन्होंने LBFMG और MOBILE मोबाइल को लिखा है TNRSPG। तो इसी कूट भाषा में BLAME को क्या लिखा जाएगा, अब देखिए पूरा का पूरा वर्ड बी यहाँ पे है, एल यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो ये पूरा का पूरा वर्ड जो है इन्हीं से निकल रहा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। बी का कोड क्या है, आर, बी को आर लिख दो। एल का कोड क्या है, पी। ए का कोड क्या है, एफ। एम का कोड क्या है, टी। और ई का कोड क्या है, जी। ओके, तो इस तरह से जो है आप इन क्वेश्चंस को बिना पोजीशन नंबर वाले भी होते हैं, इनको अल्फाबेट वाले नंबर नहीं देने होते हैं। लगभग अगर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो लगभग 4 क्वेश्चन आपके या 3 क्वेश्चन पोजीशन नंबर से सॉल्व होंगे। कुछ इस तरह से जो है रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ एक जो है यहीं से ही कोड जो है डायरेक्ट आपको दिए हुए मिलेंगे। बाकी हम जो प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे सामने और भी नई टाइप्स आएंगे, ठीक है, तो वो भी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब सीख जाएंगे। अब देखिए कि नेक्स्ट जो टाइप है उसमें आपको GECA का कोड दिया हुआ है, 8642। ओके, तो SFBD का कोड क्या होगा, तो यहाँ देखिए कि अल्फाबेट से नंबर में कोड दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए नया है, लेकिन आप जैसे इस पे पोजिशन नंबर डालोगे 7531, तो डायरेक्ट समझ गए कि 7+1=8, 5+1=6, 3+1=4, 1+1=2, यानी एक एक बढ़ा करके लिख दिया। तो 8, 6, 2, 4, 8+1=9, 9 यहाँ पर है, 6+1=7 यहाँ पर है, 2+1=3 यहाँ पर है, 4+1=5 यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाता है। ओके, इसी तरह से यहाँ देखिए कि यदि डी का कोड 4 है, BEP = 23 है, HUX का मान क्या होगा,
तो देखिए अब तक जो हमने टाइप की है उसमें क्या था कि यहाँ एक दो तीन चार थे, तो कोड में भी एक दो तीन चार ही फिगर हैं, लेकिन यहाँ पर अब तीन और ये सिर्फ दो ही है, तो इसका क्या बनेगा? यहाँ पर तीन यहाँ दो है, तो वास्तव में अब यहाँ पर भी आपको दिमाग लगाना होगा कि बी दो पे आता है, ई पाँच पे और ये 16 पे है, इन सभी को प्लस कर रखा है इन्होंने, 2 + 5 = 23, इनको टोटल करोगे 23 आएगा। तो एच यू एक्स इसका टोटल कर लो 8 = 21 = 24, 4 × 5 = 8 = 13, 1 × 2 = 3 + 2 = 5 = 53, इनका टोटल कितना आएगा? 53 आएगा, ये 53 ऑप्शन हो गया। तो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपको NTSC में देखने को मिलेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है, इसमें आपको कुछ भी नहीं कराना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कहता है किसी अन्य ग्रह पर वहाँ की स्थानीय शब्दावली में अर्थ, लाइट, वाटर, एयर और स्काई को क्रमवार इस प्रकार लिखा जाता है कि स्काई, लाइट, एयर, वाटर और अर्थ। यानी कहने का अर्थ ये है कि अर्थ को वहाँ पर स्काई कहते हैं और लाइट को लाइट ही कहेंगे, वाटर को एयर कहेंगे, एयर को वाटर कहेंगे और स्काई को अर्थ कहेंगे। और यदि वहां पर कोई प्यासा है तो क्या पिएगा? प्यासा है तो क्या पिएगा? वाटर पिएगा, ठीक है। अब वाटर को क्या कहा जाए वो देखो, वाटर को वहां पर क्या कहा जाता है? तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, मैं नंबरिंग डाल देता हूँ ताकि गलती ना हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो वाटर को वहाँ पर एयर कहा जाता है, ठीक। तो अगर किसी को प्यास लगेगी तो वो क्या पिएगा? एयर पिएगा, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेड़ को हवा कहा जाए, पेड़ को हवा कहा जाए, हवा को पानी कहा जाए, पानी को जड़ कहा जाए और पत्तों को फूल कहा जाए, फूल को फल कहा जाए, ठीक। तो सांस लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सांस लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो पहले तो इसका सिंपल आंसर सोचो कि सांस लेने के लिए हमें हवा की जरूरत पड़ेगी, और फिर हवा को क्या कहा जाए वो देख लो, हवा को क्या कहा जाए? पानी कहा गया, तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के भी सिंपल से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। अब इसकी लास्ट टाइप देखिए कि किसी सांकेतिक भाषा में FOR को ओल्ड इज गोल्ड लिखा जाता है, FOR को लिखा है ओल्ड इज गोल्ड, ROM को लिखा है गोल्ड इज कॉस्टली, और ROT का अर्थ है गोल्ड इज प्योर। तो इसी सांकेतिक भाषा में प्योर ओल्ड गोल्ड इज कॉस्टली, ओके। तो यहाँ पर इसका कोड आपने बताना है क्या होगा, कि अब OR इन तीनों में है, ठीक। तो दो, जैसे यहाँ पर ये OR कॉमन है, तो यहाँ पर भी आपको दो वर्ड कॉमन मिलेंगे, इज और गोल्ड। तो इज और गोल्ड का कोड OR होगा। अब यहाँ से ओल्ड का क्या बच गया? ओल्ड का F बच गया, ठीक।
ओल्ड का क्या बच गया एफ, कॉस्टली का क्या बच गया एम, क्योंकि ये दो तीन के लिए होएगी तो कॉस्टली का बच गया एम, कॉस्टली का बच गया एम, प्योर प्योर का बच गया टी, प्योर का बच गया टी, इज गोल्ड, इज गोल्ड अब इन दोनों का कंफर्म नहीं है कि इज के लिए ओ है या आर के लिए ओ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर इस ऑर्डर में देखें तो गोल्ड के लिए आर हो गया। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में ऑर्डर को ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओ पहले दिया तो ओ का इज है, या ओ बाद में तो बाद में इज है। तो इज का तो हो गया ओ, और आर का गोल्ड है तो गोल्ड का आर। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर कोड मिल जाएगा टी एफ आर ओ एम, यहाँ पर भी ये ऑप्शन जो आपको मिल रहा है। ओके, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये कि किसी सांकेतिक भाषा में 643 का अर्थ है सी इज ब्यूटीफुल, 567 का अर्थ है हैंडसम मीट ब्यूटीफुल, हैंडसम मीट ब्यूटीफुल, 593 का अर्थ है ही इज हैंडसम। ठीक, तो यहाँ मीट के लिए किस सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो मीट देखिए आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब 5, 6 या 7 में से कोई एक कोड होगा। तो 5, 6 या 7 में से इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हैंडसम इसमें और इसमें कॉमन है हैंडसम, ठीक। तो दूसरी और तीसरी लाइन में हैंडसम कॉमन है, तो इधर से कॉमन क्या है 5 और 5 है, तो हैंडसम का 5 हो गया कन्फर्म है, ठीक। और इधर से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल 6 और 6, ठीक। तो मीट के लिए क्या बच गया 7 बच गया, तो 7 जब ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछे कि ब्यूटीफुल का पूछ लेते तो या दोनों में कॉमन ब्यूटीफुल है, या कॉमन 6 है तो ब्यूटीफुल का 6 हो गया, या हैंडसम कॉमन है हैंडसम का पूछ लेते तो 5 हो जाता, इज का पूछ लेते तो पहले और तीसरे में कॉमन देखो 3 कॉमन है तो इज का 3 हो गया, तो सी का 4 बच गया, ही का 9 बच गया। मतलब किसी का पूछ लो आप इसी तरीके से जो है कॉमन वगैरह देख करके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अपनी वेबसाइट www.rsnotes.in पर इसके लिए एक क्विज दी है, उस क्विज में NTSC Level 1 से उठाए गए क्वेश्चंस हैं, वो क्विज आप ज़रूर कर लें, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी SSC या बैंकिंग या कोई भी पुरानी आपके पास NTSC की किताब पढ़ी है तो एक बार शुरू कर दें, उसके बाद जैसे आपकी शुरुआत हो जाए, कुछ आप क्वेश्चन करने लग जाओ, फिर मैं आपको एक बढ़िया सी बुक सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो तब तक मैं मार्केट में ट्राई करता हूँ कि कौन सी बुक ज़्यादा ठीक है, उनके अच्छे स्टडी करके ही मैं आपको बता पाऊँगा। ओके, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो प्यारे बच्चों, पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ आपने तैयारी करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।